आज ये मोहतरमा जीतने के बदौलत अलग के अंदर हमारी 10 बहनों को पुलिस के सलाखों के पीछे सेंट्रल जेल को जाने पर मजबूर किया गया। रमजान के इस मुबारक महीने में रोजे की हालत में कह रहा हूं कि वे बुरा कर रहे हैं। कमजोर खयादत को और डालना, कमजोर खयादत को आगे पेश करना ऐसे नाजुक मामलात में, जबकि आए दिन मिल्लत के खिलाफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर वो बात करे है तो मैं नासिर पर उस्ताद इलेक्शन नहीं करूंगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। नाम मालूम है सबको? अरे एमएलए कौन है सबसे पावरफुल बोले तो? मैडम नहीं है? मैडम बैठती ये भी जाके सवाल पूछे तो मैडम ऐसा ऐसा हुआ ऐसा करना होता ऐसा ऐसा एक मिनट आदि बोलो कैसे करना है। क्या जी हमारे इंटरसिटी के साथ सबसे बड़ा जूता भी उन्हें लगने वाले हो ना के खाबज बैठने वाले हो ना? कोई अगर कहता है कि मैं 2,000 रुपए दूंगा 10,000 रुपए दूंगा क्या आप अपनी बेटी के चेहरे पे से हिजाब निकालेंगे कि अजान के खिलाफ उठने वाली आवाज का मुंह तो जवाब दिया जाए या ना दिया जाए? जवाब देने वाला होना नहीं होना? आपको कोई अगर कहता है कि मैं 2,000 रुपए दूंगा 10,000 रुपए दूंगा क्या आप अपनी बेटी के चेहरे पे से हिजाब निकालेंगे? क्या मैं सुनना चाह रहे निकालते हैं? आपको कोई बोलता है 10,000 रुपए 20,000 रुपए देते हैं आपके मस्जिद में से हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा क्या आपको मंजूर है? 1,00,000 रुपए दिए तो मंजूर है? शरीयत में मुदाखलत मंजूर है? आज ऐसे मामले हो रहे हैं और हमारे बीच आपने जिनको वोट डाल के भेजा है असेंबली में एक लफ्ज किसकी जिम्मेदारी है बात करने का हिजाब पर? जो एमएलए में बात कर रहा ना मैं आपके बीच में बोल रहा हूं असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर वो बात करे है तो मैं नासिर पर उस्ताद इलेक्शन नहीं करूंगा। एक लफ्ज बात नहीं करते। कहां बात करते? डीसी ऑफिस में जाके बात करते। ये मीडिया वालों के सामने फिर बात करते हैं। मीडिया वालों के सामने बात करने के लिए क्योंकि भाई उनको गोश्त पे पाबंदी, लिबास पे पाबंदी, अलम का मामला आपको मालूम है। हजरत लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में वहां पर जो मामला हुआ 165 मुसलमानों को जेल भेजा गया। कितने? 165। उसमें से हमारे खवातीन कितने थे? 10 खवातीन को जेल भेजा गया। 10 खवातीन हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर बड़े बड़े फसाद हुए, बड़े बड़े कम्युनल टेंशन हुए गुलबर्गा शहर के अंदर बुजुर्ग हमारे बैठे हुए पुलिस शूट आउट हुआ, गोली फायरिंग हुई, वो हुई, ये कभी उठते जल देंगे। ये मोहतरमा को आपने और देकर भेजा है। आज ये मोहतरमा जीतने के बदौलत अलम के अंदर हमारी 10 बहनों को पुलिस के सलाखों के पीछे सेंट्रल जेल को जाने पर मजबूर किया गया। नाम के वास्ते अगर आप वोट डालेंगे आपकी बच्चियों के हिजाब पर आ गए हैं, आपके इबादत घरों तक आ गए हैं, आप लोगों को जेल तक पहुंचाया जा रहा है। आज 4% मुस्लिम के रिजर्वेशन निकाला गया। 5 दिन के बाद बयान देते हैं, देख देख के पढ़ते हैं। देखे ना वीडियो? आपको वीडियो फेसबुक पे कितने लोग हमारी बहन है? हाथ उठाओ। एक इंच दो। व्हाट्सएप पे अखबार कितने लोग पढ़ते? आप सुन लेते हैं। दरगाह है, दरगाह का डर ईमान वालों को है, अल्लाह का डर ईमान वालों को है। अल्लाह से ज्यादा कुर्सी प्यारी देता?
हाँ, जो बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपके बीच में ये मामला बता रहा हूं, ये आज बहुत ही संगीन किस्म के मामले हैं। आप तमाम औरतों की जिम्मेदारी है, माँ और बहनों की जिम्मेदारी है। आप हमारी इज्जत है, आप हमारे लिए शान है, आपसे ही इस्लाम की शान है, इस्लाम की अजमत। आज कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है टीवी चैनल पे, लोग खामोश बैठ गए हैं। मैंने एहतजाज किया अब हुकूमत के तानी के मैदान में, मैंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो भी गुस्ताखी करेगा तो उस शख्स को नॉन मेलेबल वारंट होना चाहिए, केस होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब हुकूमत के मैदान में 5 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। आज ऐसे मामला चल रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका वक्त ले रहा हूं, इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में जंगे बदर लड़ी गई थी। मालूम है आपको जंगे बदर कौन सी लड़ाई है? इस्लाम की पहली लड़ाई। ये इलेक्शन ओवर डालना, पैसे कमाना अगर कोई सोच रहा है तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, आप मिल्लत के साथ धोखा कर रहे हैं, आप मिल्लत का नुकसान कर रहे हैं। आप कमजोर खयानत को बेचने, असेंबली बेचने से ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रमजान के इस मुबारक महीने में रोने की हालत में कह रहा हूं कि ये बुरा कर रहे हैं। कमजोर खयानत को और डालना, कमजोर खयानत को आगे पेश करना ऐसे नाजुक मामलात में, जबकि आए दिन मिल्लत के खिलाफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, शरीयत के मुदाखलत करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे हालात में आप सबको एक होना है और आप हमारी इज्जत है। आज मैं औरत कमजोर है उनके नहीं बोलती, मैं आज औरत कमजोर है, औरत नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। आपको याद है मंडिया के अंदर जब आरएसएस के लोग बच्चे जब जो है हिजाब के मामले में नारे उठा रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे, तो हमारी एक बच्ची थी, क्या नाम उसका? मुस्कान, सुने है उसका नाम? एक बच्ची कई हिंदू संगठन के सामने खड़े होकर नारे देती है अल्लाह अकबर, क्या नारे देती है? ये हमारी औरतें हैं, ये हमारी माए और बहने हैं जिसके सीने में जो है इस्लाम रहता है, जो बेबाक होती है, जो बेखौफ होती है। आज ऐसी औरतों को आगे आना है, ऐसे हमारी माओ बहनों को आगे आना है, समझाना है, ना कि मौका मा जैसी खामोश बैठ करके जो भी हो रहा देख रहे, जो भी हो रहा बर्दाश्त कर रहे, इस्लाम के ऊपर जो भी हमले हो रहे खामोश बैठ रहे। ये जरूरत है क्या आपको? जरूरत है कि नहीं है? मैं आपके लिए बता रहा हूं, मैं बस गया सुबह 7 बजे जाकर के आपका एक भाई खड़ा रहा, अलम के अंदर गिरफ्तारी शुरू हुई, जगह सर्कल पे एहतजाज किया, जितने लोग गिरफ्तार थे हमारे बड़े भाई सब लोग मिलकर उनको आजाद किए। हिंदुस्तान में एनआरसी का मामला सबसे पहले आपका ये भाई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर के एहतजाज किया, किया नहीं किया सब? व्हाट्सअप है आपके पास? बताओ हमारी माँ और बहनों को बताओ, किसी को इल्म नहीं है। ये मामला हर मामला में मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली उंगली आवाज के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, लड़ते आया हूं, आज आपसे पूछने आया हूं। आज हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की तरह रहते आए हैं, भाइयों की तरह रहते रहेंगे, मगर ये आरएसएस हमको कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या हम कमजोरों की तरह जीना है, क्या उनके खिलाफ लड़ना है? ये आपसे पूछने आया हूं। क्या करना, लड़ने वाले होना या खामोश बैठने वाले होना? हमारी माए और बहने जब तक नहीं बोलेंगे मतलब करनी है, लड़ने वाले होना क्या खामोश बैठने वाले होना? ना मालूम है सबको, आज एमएलए कौन है सबसे पावरफुल बोले तो मैडम नहीं है, मैडम रहती ये भी जाके सवाल पूछे तो मैडम ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा करना होता ऐसा ऐसा, एक मिनट आदि बोलो कैसे करना है। ये जाने क्या जी हमारे इंटरसिटी के साथ सबसे बड़ा जूता भी उन्हें,
कि अजान के खिलाफ उठने वाली आवाज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, जवाब देने वाला होना नहीं होना, हाथ उठा के बोलिए आप मेरा साथ देंगे, आप में आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आपका भाई ये तीसरी लड़ाई पूरी हिम्मत के साथ आपके दुआओं के साथ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? शुक्रिया। एक रिजर्वेशन खत्म कर दिया जो मुसलमानों को हासिल था, 4% रिजर्वेशन आपके बच्चों की तालीम के लिए वो हासिल था और रोजगार के लिए वो हासिल था, यानी कि नौकरियां हासिल होती थी उससे, उसको खत्म करके वो कलिका समाज और लिंगायत समाज को दिया गया जो कि हिंदू समाज का एक हिस्सा है, और उनके रिजर्वेशन में यानी कि उनके जो कोटा होता है उसमें इजाफा करते हुए उनको ज्यादा दे दिया गया है। अब हमारा जो हिस्सा था उसको खत्म करके वो जो देना है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और मुसलसल पूरे मुसलमानों की जानिब से और कई सारे दीगर जो समाज है उनकी जानिब से इसके खिलाफ में आवाजें उठ रही है, क्योंकि एक तो मुसलमानों का जो मामला है वो सचर कमेटी की रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट आई थी, एक कमीशन बननी चाहिए थी, वो कमीशन के बाद में ये मालूम पड़ा कि हमारा जो हाल है, हमारे जो हालात है वो दलितों से भी ज्यादा गए गुजरे हो चुके हैं। आज हमारे लिए तालीम के लिए ज्यादा मौके नहीं है, आज हमारे लिए रोजगार के लिए ज्यादा मौके नहीं है, आज हमारे लिए सरकारी नौकरियों में ज्यादा मौके नहीं है। ऐसे हालात में हमारे ये रिजर्वेशन को भी खत्म करके हमें और पिछड़ा करने की एक साजिश हुई है। ये साजिश बीजेपी हुकूमत की सिर्फ इकलौती साजिश नहीं है, मुसलसल गुज़श्ता 3-4 सालों से बीजेपी हुकूमत ऐसे ऐसे साजिशें करती आ रही है जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज हमारी सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया। आपके हमारे बच्चे 1st से लेकर 12वीं क्लास तक स्कॉलरशिप हासिल करते थे, उनको 1,000 रुपए महाना मिलता था, वो खत्म कर दिया गया, और उसको खत्म करके हमारे बच्चों को तालीम से महरूम करने की एक साजिश हुई। उसके अलावा आप सभी खवातीन यहां पर मौजूद हैं और हिजाब में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है हमारी शरीयत पर, और हमारी खवातीन हमारी माए बहनें बगैर हिजाब के कहीं निकलती नहीं है, लेकिन आज पूरे कर्नाटक के अंदर यह हाल हो चुका है कि अगर हमारी बच्चियों को एग्जामिनेशन लिखने जाना है 12वीं क्लास का, तो उनको या कोई और एग्जामिनेशन लिखने जाना है या फिर उनको 12वीं क्लास की क्लास अटेंड करने जाना है तो उनको हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि उनको अंदर अगर क्लासरूम में जाना है तो उनको हिजाब उतार कर जाना पड़ता है। और इसके खिलाफ अफसोस होता है इस बात पर कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो MLAs हैं, जो अब आप लोगों के बीच में आएंगे, वो लोगों ने सिवाय लफबाजी के आप लोगों के बीच में जब आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों ने हिजाब के बारे में बात की, लेकिन जहां पर बात करना चाहिए, जहां हम जिस मकसद के लिए उन्हें भेजे हैं वो वहां पर जाकर अपनी बात नहीं करते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि आपने क्यों बात नहीं की, आपको हम लोगों ने ऐलान में भेजा, आपको हमने असेंबली में भेजा ताकि आप हमारे हकूक के लिए, आप हमारे मसाइल के बारे में बात करें, तो वो कहते हैं कि हमारे सदर ने इनकार कर दिया कि हमें हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। यहां 7 MLA मुसलमान हैं और सातों के सातों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और सातों के सातों ने असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी हिजाब के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उनके सदर ने उनको मना कर दिया कि आप लोग हिजाब के ताल्लुक से असेंबली में बात नहीं करेंगे। ये हाल है आज हमारे मुस्लिम कायदीन का, जो दावा करते हैं कि हमारे हकूक के लिए, हमारे मसाइल के लिए आवाज उठाते हैं। ये मसाइल के ऊपर सबसे पहले गुलबर्गा शहर में, यहां पर आपके मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, अलाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब, उन्होंने आवाज उठाई, और रियासत कर्नाटका में अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो जनता दल सेक्युलर के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी जी हैं।
ये हकीकत है जो आपके सामने बताना बहुत जरूरी है। और वहीं पर जो परसों के दिन टू बी रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, जो 4% हम लोगों को हासिल था, उसको देने वाली भी जनता दल है। एसडी देवेगौड़ा जी जो साबिक वजीर आजम रहे हैं और जनता दल सेकुलर के सुप्रीमो है, उन्होंने ये 4% दिया था, उसको खत्म करके आज मुसलमानों को बदहाल करने की साजिश हो रही है। और ये साजिश जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के साथ, तो ये साजिश के अंदर कांग्रेस बशमूल शामिल होती है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हुकूक के लिए बात नहीं करती है। जब मसाइल आते हैं मुसलमानों पर, जब परेशानियां आती हैं मुसलमानों पर, तो वो खामोश हो जाते हैं, तमाशाई बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ हैं, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ हैं कि अलम में एक दरगाह है हजरत लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे लोग उसके मुतकिलीन हैं। और वहां पर एक साल पहले पूजा की गई थी, शिवरात्रि के मौके पर वहां पर पूजा करवाई गई थी, और उस पूजा करवाने की इजाजत में गुलबर्गा शहर की एमएलए यानी कि मोहतरमा पुलिस फातिमा की भी रजामंदी शामिल थी, और हत्या के लिए वो मौजूद थे वहां पर जब पूजा करवाई जा रही थी। और उसके बाद वहां पर हालात नासाजगार हो गए, वहां के लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि यहां कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और बीजेपी पार्टी के लीडर्स दोनों मिलकर डीसी के साथ में बैठकर फैसला ले चुके हैं कि वहां पर पूजा करवाई जाएगी। वो लोग इस बात से गाफिल थे और उन्होंने उस पर एहतजाज किया। जब एहतजाज किया तो वहां पर सुबह सवेरे उनको उठाया गया, 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से 10 खवातीन थी, आपकी जैसी खवातीन हमारी माएं बहनें उसमें शामिल हो गई। सुबह फजर के वक्त में उनको गिरफ्तार किया गया। और अफसोस ये होता है कि इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए को नहीं था। एहसास करने वाली शख्सियत, फिर एक बार आपके सामने कहना चाहता हूं कि अलाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। फौरी तौर पर जगत सर्कल पर एक एहतजाज बुलाया गया था कि उनको रिहा करवा दिया जाए, और उस एहतजाज में अलाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने पूरे जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद की। और उसके बाद में जब डीसीएसपी के पास जाकर मुलाकात की तो वहां पर बहुत सारे इंकशाफात जो अभी आपके सामने मैंने रखे वो किए गए थे। वहां अलग में 2 मैयतें भी हुई थी, 2 मैयतों को जनाजे को खांदा देने वाली शख्सियत, और क्योंकि वहां पर किसी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, सारे के सारे लोग खौफजदा थे। वैसे हालात में पूरे हैदराबाद कर्नाटक के कायद होने की हैसियत से, मजबूत लीडर होने की हैसियत से नासिर हुसैन उस्ताद साहब वहां पर मौजूद थे मैयत को खांदा देने के लिए। और इन लोगों को रिहा करवाने वाले भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाई जाकिर हुसैन उस्ताद साहब और एडवोकेट मजहर हुसैन उस्ताद साहब। ये हालात है हमारे कायदीन जहां पर खामोश हो जाते हैं एमएलए बनकर, वहां पर सड़कों पर उतरना पड़ता है नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे कायद को। और आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये इंतखाब, ये इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन नहीं है, हमारी क़यादत को चुनने का इलेक्शन है, हमारे लीडर को चुनने का इलेक्शन है। क्योंकि पूरे इलाके की एक वाहिद आवाज अगर कोई आज की तारीख में मौजूद है जो मिल्लत के बारे में, मुसलमानों के बारे में आवाज उठाते हैं, तो वो अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। उनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो मिल्लत के हक के लिए आवाज उठा रहा है, सड़कों पर आ रहा है और तमाम तरह मसाइल में मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। मैं मजीद आपके सामने, और जब इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा, जब मौका आएगा, तो आपके सामने बात रखूंगा। मैं आप लोगों से आज जो आप लोगों को ये ताज दिए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि और मजीद ऐसे खिदमत इब्राहिम साहब और उनके तमाम तरह हामी यहां पर करेंगे आप लोगों के बीच में। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ दीजिए, उनकी एक ताकत बनिए और वो मिल्लत की ताकत बन सके, इसके लिए उन्हें एक बार मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।